गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग डियर। तो हम आगे बढ़े, शुरू करें। कल जो क्लास में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को कुछ समझ आया? आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। अभी तो वैसे हम रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या क्या देखा था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। हमारे अंश की है या हम गुण लक्षण लेते हैं, वो किस प्रकार से लेते हैं, और वो मॉलिक्यूलर स्तर पर कैसे होता है, केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं, ये कल हमने देखा था, ठीक है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो मेन न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो हमारे जेनेटिक मटेरियल में कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। इन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। डीएनए के बारे में कल हमने पढ़ा था, ठीक है, कि डीएनए तीन मेन चीजों से जुड़कर बनता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक है। इसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, ठीक, और जो आपस में फॉस्फोडाईस्टर से जो स्ट्रैंड है, वो सारे न्यूक्लियोटाइड बेस जो हैं, वो आपस में फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक विशिष्ट स्थान पर कार्बन के पांचवे और तीसरे एटम, जो शुगर का पेंटो शुगर का पांचवा और तीसरा कार्बन है, वो आपस में जुड़े रहते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें जेडी वॉटसन और एफएचसी क्रिक ने बताया था, और इनके लिए सन 1953 में ये डबल हेलिकल मॉडल इन दोनों साइंटिस्टों ने अपनी यंग एज में, जब अपनी युवा अवस्था में केवल 25 साल के थे वॉटसन, जब उन्होंने ये मॉडल बनाया था, और 1962 में उनको इसके लिए नोबल प्राइज भी मिला। ये जेडी वॉटसन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर, ठीक है। और जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, ठीक, ये हमने पढ़ा था। दो स्ट्रैंड्स है, इनका डायमीटर 25 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जो नाइट्रोजनस बेस है वो जुड़े रहते हैं, जिससे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर काम करता है। जो मेन सेंट्रल डोगमा था, उसमें जो सेंट्रल ओपिनियन था वो ये था कि डीएनए डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम में 8 ऑक्टामर, ठीक है, ये 8 हिस्टोन के प्रोटीन होते हैं और इसके आसपास डीएनए रहता है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो बीड्स ऑफ ऑन माइक्रोस्कोप पर के जैसा ये दिखाई देता है। और क्रोमेटिन के फॉर्म में ये पैकेज होता है। क्रोमेटिन दो प्रकार के हैं, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, किस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे, किस प्रकार हमें पता चला कि डीएनए ही वो मेन तत्व है जो हमारे जेनेटिक कंस्टिट्यूट कर रहा है, किस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई का हीट किल्ड वेरियंट लिया, ठीक है, जिसे स्मूथ स्ट्रेन बोलते हैं, और रफ स्ट्रेन जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है, जो बीमार नहीं करता है, उस स्ट्रेन को मिलाकर जब चूहे में कि वो इंजेक्ट किया तो पता चला कि वो जो है चूहा मर जाता है।
तो इससे ये पता चलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है इसको कंक्लूड किया, इसको बताया ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैकार्टी ने। और इन्होंने जो प्यूरिफाइड ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन डीएनए आरएनए, इनको इंजेक्ट किया, इनको अलग किया और बारी बारी करके उन्होंने एक बार प्रोटीएज डाले, एक बार आरएनएज डाले और एक बार डीएनएज डाले, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने बारी बारी करके एक एक बायो मॉलिक्यूल को ख़त्म किया, डीएनए को ख़त्म किया, आरएनए को ख़त्म किया, प्रोटीएज को ख़त्म किया। और इससे ये मालूम हुआ कि हाँ, ये जो डीएनए डालने से, यानी कि जो डीएनए है वो मेन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है। साइंटिस्टों में अभी भी इसको लेकर पूर्णतः एक विश्वास नहीं बना। और सन 1992 में अल्फर्ड हर्चे और मार्था चेज द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें जो वायरस था उस वायरस को रेडियो एक्टिविटी, बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिविटी देकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और इससे ये निश्चित रूप से तय हो गया, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डीएनए था, जो रेडियो एक्टिव डीएनए जिसमें फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, वही ट्रांसफ़र हो सका, जबकि जो रेडियो एक्टिव सल्फर था, यानी जो प्रोटीन था जो सेल वॉल पे था, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका। ये कल हमने यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कल तो हमने यहाँ तक तय किया था कि जेनेटिक मटेरियल का एक क्राइटेरिया है। अब तक साइंटिस्टों को ये समझ आ चुका था कि जेनेटिक मटेरियल के कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी वो जेनेटिक मटेरियल सफल होगा। वो विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? नंबर एक, वो अपने आप को रेप्लीकेट करने की क्षमता रखता हो, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वह अपने जैसा कुछ बना सके, अपने जैसा ही कुछ बना सके, तभी वो गुण ट्रांसफर हो पाएंगे। नंबर वन, ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, जो भी मटेरियल है उसको स्टेबल होना चाहिए। उसके अंदर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी एवोल्यूशन का प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर मेंडेलियन कैरेक्टर्स को, जो मेंडल के नियम हैं जो हमने पहले पढ़े थे, उनको उनके अनुरूप कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। जो प्रोटीन जो था, वो देखा कि ये प्रोटीन इस क्राइटेरिया पर फिट नहीं बैठता, केवल आरएनए और डीएनए ही कुछ हद तक इस क्राइटेरिया पर फिट बैठते हैं। अब हम डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बना पाता है, तभी हमारे अंदर वो गुण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जिससे डीएनए अपने ओरिजिनल डीएनए से एक कॉपी क्रिएट, डुप्लीकेट क्रिएट कर पाता है, और इसी के से हमारे ये जो लक्षण है ये हमें ट्रांसफर होते हैं। यूकैरियोट्स में हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हमने कल पढ़ा था कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जहां एडिनिन होगा वहां थाइमिन आएगा, जहां थाइमिन होगा वहां एडिनिन आएगा उसके साथ में, जहां साइटोसिन होगा वहां ग्विनिन, और जहां ग्विनिन होगा वहां साइटोसिन। इस तरीके का एक एग्जैक्ट सिस्टम फॉलो होता है, तो ये सिस्टम यहाँ फॉलो होता है। तो जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है। नंबर एक, सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या चीज होती है। ये दूसरी चीज, इस रेप्लिकेशन के बारे में हम ये जानते हैं कि ये जो रेप्लिकेशन होता है
ये डीएनए में होता है, न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ सेल साइकिल में, सेल साइकिल का जो एस फेज होता है उसमें ये रेप्लिकेशन होता है। और जो डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड हमें जरूरत है, जो चाहिए हमें इस रेप्लिकेशन के लिए, वो कहाँ मौजूद होते हैं? वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। जो ये डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, तीन तीन चीजें हम पढ़ेंगे आज, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है? डीएनए का हर एक टेम्पलेट, एक हर एक जो स्ट्रैंड है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट क्या चीज होती है, कोई हमें बताएगा टेम्पलेट क्या होता है? जिस पर कोड लिखा रहता है ना, जिस पर, हाँ, कोड लिखा रहता है, जेनेटिक कोड। हाँ, टेम्पलेट का एक जनरल मतलब होता है। टेम्पलेट एक तरीके से आधार होता है। जैसे आप किसी चीज के एक कागज की फोटोकॉपी कराना चाहते हैं, तो वो जो मेन प्रति, जो मूल प्रति जिसे हम हिंदी में बोले ना, मूल प्रति, जो ओरिजिनल कॉपी, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। वो जो टेम्पलेट होती है वो फर्दर और कॉपी क्रिएट करने के काम आती है। तो ये जो मूल प्रति होती है, टेम्पलेट, हर स्ट्रैंड एक मूल प्रति का काम करता है। ठीक है, वो एक वैसे ही अपने जैसी कॉपी करने का काम शुरू होता है। और ये जो है नया स्ट्रैंड बनता है मूल कॉपी पर, ओल्ड स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग के द्वारा। ठीक है, नया स्ट्रैंड बनता है वो पुराने जो स्ट्रैंड है, जैसे ये देखिए ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, ये पहले हमारा डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, इसके ये दोनों ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये अलग अलग होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। तो ये ओल्ड स्ट्रैंड, पुराना जो कॉपी है वो ये है मूल प्रति, और इसके ऊपर देखिए ये नया डीएनए बनता जा रहा है, ये नए डीएनए की कॉपी होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो रेप्लिकेशन है ये ओल्ड टेम्पलेट पर, जो पुराना डीएनए होता है वो टेम्पलेट का काम करता है, और नए डीएनए उस पर बनते हैं, नया स्ट्रैंड उस पर क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से दो एग्जैक्ट कॉपी बन जाती हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है, ये जो डीएनए है इसके साथ में जब वो एडिनिन, थाइमिन और ये ग्विनिन जुड़ेगी तो वो इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी को डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना। जो जैसे ये ओल्ड है, तो ओल्ड में जहां सी पहले किसी टी के साथ जुड़ा, जी के साथ जुड़ा हुआ था, ए टी के साथ जुड़ा होगा, टी ए के साथ, अब जो नया भी बनेगा वो भी उसी, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो फिक्स है, जहां सी होगा वहां जी ही आएगा, जहां ए होगा टी ही आएगा, जहां ए होगा वहां पर थायमीन ही आएगा। तो इस प्रकार से ये एग्जैक्टली जैसा ये पहले था, अब ये नया बन गया, ऐसे ही इधर भी एक नया बन गया। तो जो क्रोम, जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए पहले एक था, अब उसके दो प्रतिरूपी बन गए, प्रतिरूप दो कॉपीज बन गई। अब जो हर कॉपी बनती है उसमें से एक कॉपी पुराना, एक स्ट्रैंड पुराना रहता है और एक स्ट्रैंड नया बन जाता है। ठीक है ना, ये जो स्ट्रैंड है ये नया आ गया, ये पुराना स्ट्रैंड आ गया। इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये जो वाटसन और क्रिक ने इस मेथड को भी डिस्क्राइब किया था, और इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ठीक है,
इसको प्रूव करने के लिए भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए कि ये जो रेप्लिकेशन होता है या नहीं होता, और ये जो प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया वो किया गया मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टार्ट के द्वारा। मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टार्ट के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने क्या किया, जो नाइट्रोजन, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस है सब में, जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजन बेस काम कर रहा है, तो इन्होंने एक ऐसा ई कोलाई, ऐसा जो वायरस जो बैक्टीरिया था ई कोलाई, उसका डीएनए बनाया जो नाइट्रोजन के 15 नाइट्रोजन के आइसोटोप द्वारा बनाया गया हो, वो उससे लेबल्ड है। नॉर्मली नाइट्रोजन किस कितना वो रखता है, 15 नॉर्मल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है नॉर्मली, ठीक है, परंतु जो उसका एक आइसोटोप है जिसका मास 15 होता है 14 की बजाय, तो उन्होंने उस आइसोटोप को पकड़ा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ही रहता है, पर वो नाइट्रोजन अलग तरीके का नाइट्रोजन होता है जिसको हम केमिकल लैब में पहचान सकते हैं कि ये वो वाला नाइट्रोजन नहीं है, ये डिफरेंट नाइट्रोजन है। तो ऐसे नाइट्रोजन के साथ उन्होंने एक डीएनए बनाया, ठीक, और इस डीएनए को नॉर्मल वाले नाइट्रोजन के मीडियम में डाला, ठीक है, और फिर वहां से एक जनरेशन 1 बनी, जनरेशन 2 बनी, जनरेशन 3 बनी, क्या रिजल्ट आए वो अब हम देखते हैं, ठीक है। जब इन्होंने ये 15 कंटेनिंग मीडियम को, नाइट्रोजन को जब इसमें डाला, तो यहां पर जो डीएनए बना, देखो ये पूरा पिंक है, इसका क्या मतलब है कि इसके सारे डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस हैं वो 15N, यानी कि जो नाइट्रोजन का हैवियर आइसोटोप है उसके द्वारा बनाए गए, ठीक है, ये सारे पिंक हैं। अब जब इन्होंने इसको रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करते समय इन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, जब इसको रेप्लिकेट किया तब पता चला कि देखो एक पिंक आ गया। अब ये जो पिंक था, ये पिंक में से एक ब्लू हो गया यानी कि नॉर्मल हो गया, और एक जो है पिंक हो गया, यानी कि जो हमारी जो थ्योरी है न्यू और ओल्ड की, एक डीएनए का स्ट्रैंड पुराना आ गया और एक नया आ गया। जब इसको F1 को, इसको फर्स्ट जनरेशन को फिर कॉपी किया, तो अब इसमें क्योंकि एक ऑलरेडी ब्लू है यानी कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ इसका कॉपी हुआ, तो ये पूरी तरह नाइट्रोजन 14 पर आधारित था, और दूसरी तरफ ये वाला जो एक था इसका एक कॉपी बन गया। इसको फर्दर कॉपी किया तो ये रिजल्ट आया, तो यानी कि ये जो सेमी रेप्लिकेशन की थ्योरी है ये इस एक्सपेरिमेंट द्वारा जो मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टार्ट ने किया, उन्होंने ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव किया। ये इसी का दूसरा डायग्राम है, ठीक है, मेसलसन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है उसमें, क्योंकि ये नाइट्रोजन हैवी होता है, जो 15 नाइट्रोजन होगा वो हैवी होगा तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो लाइटर नाइट्रोजन होगा वो ऊपर रह जाएगा, तो ये इस प्रकार से अलग अलग लेवल पर जो सेंट्रीफ्यूज में अलग अलग स्तर पर जो हैवियर नाइट्रोजन है वो सबसे नीचे, जो हाइब्रिड नाइट्रोजन है जिसमें आधा 14 आइसोटोप है और आधा 15 आइसोटोप है वो थोड़ा ऊपर, और जो पूरी तरीके से 14 नाइट्रोजन है वो सबसे ऊपर रहा। ये इसी के डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रैंकलिन स्टाल मेथलसन द्वारा, ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने जो कल्चर मीडियम दिया था ये हैवियर, यानी कि 15 नाइट्रो अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करके, NH4Cl को इस्तेमाल करके ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या कल्चरल मीडियम इस्तेमाल किया था।
अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के तरफ। आपको समझ आ रहा है? काइंडली लेट्स पार्टिसिपेट, ठीक है? इसको एक तरफा नहीं रखते, ठीक है? इस बातचीत को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस चर्चा में हिस्सा लीजिए, ठीक है? मूक वो नहीं बने रहे, सभी लोग इसमें हमें हिस्सा बताएं, ठीक है? तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? लेट मी आस्क, कौन बताएगा मुझे? लेट्स सी, तिशा गौतम आप बताएंगी? तिशा गौतम, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। तिशा, आपका नाम तिशा है? यस, बताइए। तिशा गौतम आप बताएं कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, किसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया? नहीं, मनीषा सिंह, मनीषा सिंह, सब लोग, हम लोग बात नहीं करते क्या? यस सर, करते हैं। सर मुझे कोई बोलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ओके, मुझे लगता है मैं क्लास को भी यहीं पर रोकना चाहूंगा और मैं पहले सबसे आपसे बात कर लूं। लेट मी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कुछ समझ आ भी रहा है या हम बेकार गोल गोल मेहनत कर रहे हैं, या तो हम लोग नहीं, बट औरों को भी समझ आना चाहिए। ओके, लेट्स सी, चलो एक एक से शुरू करते हैं ना, बात करते हैं, पहले बात ही करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सुजीत कुमार आप बताइए, आपको कुछ समझ आ रहा है? यस सर। आपने क्या क्या पढ़ लिया दो दिन में? सर मेरा कल तो सर मेरा नेटवर्क सही नहीं था, आवाज नहीं आ रहा सर। ओके, देख रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन आज भी सही है सर। ओके, तो आज ने सर वही बताया ना, हाफ कंजर्वेशन से नहीं कंजर्वेशन। तो उसमें सर जो नया डीएनए बनता है उसमें से आधा, मतलब कि जिसका एक स्ट्रैंड पुराना होता है तो ओल्ड होता है और एक न्यू होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। वेरी गुड। शिवेंद्र आपको आपको क्या समझ आ रहा है, आपको क्या फीडबैक है? शिवेंद्र कुमार, यस सर, आपको समझ आ रहा है? आपको बातचीत करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है? सर थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है बस। इंग्लिश तो मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल करते हैं, मतलब इससे ज्यादा है इंग्लिश है, मतलब मुझे ठीक है और लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, बाकी समझ आता है आपको? यस सर। ओके सर, थोड़ा फिजिक्स में कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो ज्यादा समझ में नहीं आती है। किस प्रकार का कंफ्यूजन होता है? सर वो समझ में नहीं आता है ज्यादातर। चलो अगर स्पेसिफिकली बता सको तो बताओ। हाँ, मैं तब तक दूसरे से सोच लो आप लोग। अंजलि वर्मा, यस सर, हाँ आपको समझ आ रहा है? यस सर। मैं सारी ओवरऑल क्लासेस का फीडबैक भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो आपको समझ आ रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रही हो, कर पा रही हो क्लास में? यस सर। तिशा गौतम, तिशा गौतम, जी आपको समझ आ रहा है? तिशा,
जवाब नहीं है रही। पार्टिसिपेट तो देखिए आपको क्लास में करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मूक तो हम क्लास नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप वीडियोस के बहुत सारे चैनल कोई इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अपना समय भी खराब करें। जी तिशा सर, मेरा माइक नहीं चल रहा था, चल रहा है, माइक चल रहा है अभी तो, चल आपकी बात हो रही है, हम बात कर पा रहे हैं। जब से आवाज नहीं आ रही थी ना आपको। अच्छा अच्छा आप बोल रही हैं, आप आपकी आवाज ओके। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है तिशा, आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं, आपको माइक पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनीवे आप अगर चाहे, अगर आपका चैट बॉक्स चल रहा हो तो आप उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, अपना फीडबैक, आई विल वेट फॉर इट। संजय सिंह ध्रुवे, आपको हेलो। हाँ जी हेलो, हाँ बताइए संजय। सर मेरे को तो आ जाता है सर, बट हिंदी मीडियम से सर सीबीएसई बोर्ड वाली, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट सर आई मैनेज। ठीक, देखो मैनेज तो सबको करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, ये सब बात ध्यान रखो, मीडियम कोई बाधा नहीं है, जी सर, आपका प्रयास बाधा हो सकता है, मीडियम बाधा नहीं हो सकता, पढ़ना चाहेंगे जरूर होगा। प्रियांशी, प्रियांशी आपको समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है आपको, ओके गुड। आप देखिए साथ साथ नोट्स बनाते हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप यस सर नोट करते हैं, लिखते हैं। यस सर, यस सर। अंजलि वर्मा सर, आपसे बात हो गई शायद। मुस्कान यूके एम 1038, ठीक है, आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? जी हाँ सर। अमन, आप समझ पा रहे हैं? अमन यस 1057 यस सर। दुर्गेश, दुर्गेश सोनी, आप कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ, आप कुछ समझ पा रहे हैं क्लास में? कुछ कहना, कुछ कहना चाहेंगे? समझ में आती है, थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ाइएगा तो। ये सर बोल रहा हूँ ना, समझ में आती है, थोड़ा और हाईलाइट करके पढ़ाइएगा तो ज्यादा समझ आएगा सर। ठीक है, फिरोज आलम, कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ओके ठीक है, फिरोज आलम, यस सर, आपका ठीक चल रहा है, आपको समझ आ रहा है? हाँ यस सर, समझ में आ रहा है, टॉपिक कैच कर लेते हैं सर हम बुक में से भी। महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, आप लोग अपने रोल नंबर लिखा कीजिए, मैं आपको आईडी भेजूंगा, आप लोग अपने आईडी से लॉगिन करिए ताकि मुझे आपका रोल नंबर पता रहे। महेंद्र सिंह, हेलो सर, मुझको समझ में आ रहा सर, थोड़ा फिजिक्स में प्रॉब्लम है सर। फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, किस तरीके का प्रॉब्लम है आप हमें बताएं सर? बेसिक तो फिर भी आता है सर, ऐसे फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल वगैरह है उनमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ओके। मनीषा सिंह, अच्छा बाकी सब फैकल्टी का भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं देखता हूँ कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी समस्या है तो में, हाँ ओके। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री तो हमने अभी स्टार्ट किया नहीं है तो उसे मत डिस्कस कीजिएगा, उसके अलावा डॉक्टर सुशील पढ़ाते हैं, वो समझ आता है आपको? जो कुलदीप सागर जी की क्लास होती है वो कैसी रहती है? वो भी आ जाते हैं समझ आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं होती है। अच्छा, वो स्क्रीन शेयर,
करते हैं। हाँ ठीक, ये मैंने उनको बोला वो कर दिया करें। बट सर, सर बोल रहे सर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है तो नहीं कर पाते वो स्क्रीन शेयर। जी सर। टेक्नोलॉजी को वंशिका। जी सर। आपको समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। आप लोग नोट बना रहे हैं, मैं आप लोगों के मार्क्स देखूंगा और सब ओपन क्लास में हम आपके जो नंबर हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्लीज आप सभी लोग देखो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ही आपका ये जो एफर्ट है ये सक्सेसफुल होगा। तुषी सिंह 1037। तरुण बरिया। यस सर। आपके लिए ठीक चल रहा है। तन्मय जाटव। ओके तन्मय जाटव, आपको समझ आ रहा है भाई? आप लोग देखिए बात करिए, ठीक है? थोड़ा सा ओपन होइए, अपने आप को खोलिए। हाँ, वेट मत करिए कि जो है वो बोलेंगे। अपना माइक्रोफोन ऑन करना है, अपनी बात बोलनी है और बंद करना है। ये आज के समय में हमारे सामने एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। जो ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है ये अपने आप में बहुत लोगों के लिए सुविधा है, थोड़ा सा नए तरीके का मीडियम है। तो इस मीडियम को आपको समझना पड़ेगा, इसको बिना समझे ये क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको इसमें अपने आप को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, दोनों फैकल्टीज को भी और स्टूडेंट्स को भी, आपको भी और मुझे भी, हम दोनों को इस सिस्टम से अपने आप को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। आप लोगों को बोलना, एक बेसिक इसका प्रोसीजर है वो समझना होगा और अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि जी मुझे ये दिक्कत आ रही है, नहीं दिक्कत आ रही है, मुझे समझ आ रहा है। देखो कोई भी सिस्टम जो है दोनों लोगों के साथ चलेगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों का बराबर का योगदान है। यदि आप टीचर को गाइड नहीं कर रहे हो कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या समझ आ रहा है, नहीं तो ये एक प्रकार का भाषण बन जाएगा। मैं आऊंगा और कुछ बोलूंगा और चला जाऊंगा, ठीक। मैं दो घंटे, डेढ़ घंटा, एक घंटा जितना समय दे रहा हूँ बोलूंगा और बोलकर निकल जाऊंगा। ना आपको कोई फायदा होगा ना मुझे कोई उससे लाभ होगा, तो हम दोनों का समय व्यर्थ जाएगा। उससे बेहतर है कि हम इसको एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाएं, समझें इसको कि कैसे ये ऑनलाइन क्लासेस काम करती हैं। ये दूसरे तरीके से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा हमारे समय में एक माध्यम बन गया है ऑनलाइन एजुकेशन। और ये एक ऐसा माध्यम है जो यहाँ रुकने वाला है, लंबे समय तक चलने वाला है, ये अब खत्म नहीं होगा। ऑनलाइन जो क्लासेस का सिस्टम है, अभी तक हम सबको एक हिचक थी, एज अ टीचर हमें हिचक थी, ठीक है, कि पता नहीं कैसे काम करता हूँ, बट वो अब हिचक खत्म हो रही है। वो हिचक आपको भी खत्म करनी पड़ेगी, आपको भी अपने भीतर से इस सिस्टम का जो भय है, इसकी जो आर्टिफिशियलिटी है, उसका डर दूर करना पड़ेगा अपने अंदर से। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम काम करेगा। देखिए ये बात क्लियर रखिए, आपकी इच्छा मैं समझता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। मेरे को लगता है आपको मेरी इच्छा, इस कोचिंग की इच्छा भी समझ आ गई होगी कि ये कोचिंग क्यों काम करती है, क्या काम करना चाहती है। परंतु ये इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब हम दोनों लोग एक दूसरे को समझें, ठीक है, एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताएं। आपका उद्देश्य है डॉक्टर बनना, हमारा उद्देश्य आपको बनाना है, पर वो आप तभी बन सकते हैं जब आप खुद अपने लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे होंगे। हिंदी भाषा में, हमारी देसी भाषा में एक कहावत हम लोग बोलते हैं कि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, ठीक है। जो घोड़ा होता है, यदि आप चाहते हो कि भाई घोड़ा पानी पी ले, तो घोड़े को हम पानी के पास तो खींच के ले जा सकते हैं, पर यदि घोड़ा विलिंग नहीं है, इच्छुक नहीं है कि मुझे पानी पीना है,
तो उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता, ये एक तथ्य है, फैक्ट है, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप और हमें दोनों को समझना चाहिए, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप यदि पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि देने वाला दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, पर यदि ज्ञान लेने वाला उसके लिए तैयार ना हो, जो भी उसके कारण हो, ठीक है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की शंका हो, कोई और विचार हो, तो यदि आप ज्ञान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो तो कोई आपको जबरदस्ती ज्ञानी नहीं बना सकता। यदि आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। कुल मिलाकर बस सर ये जरूर बोलूंगा कि जो पढ़ाई है ये आपके हित में है, आपके लिए फायदेमंद है, आपके जीवन को बेहतर करने वाली है। थोड़ा सा प्रयास है, मेहनत है थोड़ी सी, परंतु ये जो प्रयास आपका होगा, ये जो आपकी मेहनत होगी, ये आपको बहुत सफल बना सकती है, बनाएगी। और सफलता एक दिन में नहीं आती, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती, हमें उसके लिए लंबा प्रयास करना पड़ता है। तो आप प्लीज, आपसे तो मैं तो प्लीज भी नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा है, आपको ये अपने लिए फैसला लेना है कि क्या आप अपने जो गोल हैं उनके प्रति ईमानदार हैं, अपने भीतर ईमानदार हैं। और मैं आपको पहले दिन से ये बात बोलता रहूंगा, मैं नहीं मानता कि आप बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप में से कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, आप सभी एडल्ट हैं, वयस्क हैं, अपने सभी सही और गलत फैसले लेने के लिए समझदार हैं। तो आप अपने जीवन में ये फैसला लीजिए कि आप अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, ये फैसला आपको खुद लेना है। आप इस फैसले को समझो और इसके महत्व को भी समझो। और ये फैसला हम हमेशा नहीं ले सकते, जो समय आपका आज है, आज अगर आप नीट के लिए पढ़ सकते हैं, इस वर्ष पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगले वर्ष बहुत कम संभावना है। हम ऐसा सोचें कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया तो वो सेकंड में कर जाएगा, नहीं, लोग जो भी नीट क्वालिफाई करेंगे मैक्सिमम अपने पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में करेंगे, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जो आपकी ऊर्जा है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, अगले साल ये किताब पढ़ना आपको बड़ा भारी कार्य लगेगा। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस समय को पहचानो, अपने लिए मेहनत करो, हमें भी बताओ कि सर हमें ये चीज की आवश्यकता है, ऐसे करा दो वैसे करा दो, बात करो, ठीक है, डरो मत, पर भाग लो, इसमें हिस्सेदार बनो। इससे हमारा काम नहीं बनेगा, हम खाली कुछ समय इकट्ठे हों। और दूसरा मैं एक चीज और करने जा रहा हूँ कि जो लोग आप लोग रेगुलरली क्लास कर रहे हैं उनके छोटे छोटे रिवीजन ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। हम लोग जैसे जितने बच्चे स्टूडेंट रेगुलरली क्लास कर रहे हैं उनके ग्रुप बनाएंगे, 8-8 बच्चों का ग्रुप होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई उन 8 बच्चों के ग्रुप में भी ऑनलाइन करोगे, वो पढ़ाई आप लोग खुद करोगे। आप में से 4-5-6 लोग जो भी वॉलंटियर करना चाहें वो वॉलंटियर करें, मैं उनको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आप अपने क्लास कर सकते हो। आप लोग अपनी नॉर्मल क्लास के टाइम बाद में अपने अलग अलग ग्रुप बनाओ और उन ग्रुप्स में पढ़ाई करना शुरू करो, अगर आप पास होना चाहते हो तो। जी, आप में से कोई कुछ बोल रहा था, प्लीज बोले। सर फिजिक्स के लिए हाँ जी बोले सर, वो ग्रुप बना देते सर तो ग्रुप डिस्कशन ज्यादा अच्छा रहता है सर, कि एक दूसरे से विदाउट क्लियर कर पाते हैं। अच्छा, मैं वो ग्रुप आपको भेज दूंगा, 8-8 लोगों का, उसमें से हर एक ग्रुप के लिए वॉलंटियर अभी आप लोग कर दो। आप में से कुछ ही लोगों को जो सिंसियर हैं, एक आपका नाम भी ले लेता हूँ, बहुत सिंपल सा होगा, आपका एक 8 बच्चों का ग्रुप रहेगा, उसमें 5 या 4-5 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, पर आप 4-5 लोगों के ग्रुप में मिलकर पढ़ाई करो, ठीक है जी सर। मैं 8-8
एक संजय सिंह धुर्वे हो गए, आपको मैं उस ग्रुप में एक आपको लीडर बनाने वाला हूँ। हर एक ग्रुप में एक लीडर होगा, ठीक है, एक या दो लीडर होंगे, ठीक है, वो मैनेज करेंगे, वो तय करेंगे कि कब क्लास होनी है, क्या हुआ, मतलब आप सबके अनुसार। अकेले ऐसा लीडर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी चलाएंगे सर। इसमें सर ग्रुप बनाने में सर सबका सहमत होना ज्यादा जरूरी है, वो सब लोग के पास सर समय होंगे, उसमें जो क्लास करना चाहेगा वो करेगा, जो नहीं करना चाहेगा आप उसको निकाल दीजिएगा कि ठीक है आप मत ज्वाइन मत करिए। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है, तो मैं आज वो ग्रुप आपके बना दूंगा। और कोई जी सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए सर। जो नेट बंद हुए थे जींद के एरिया के, तो उसमें सर मेरी एब्सेंट लगी हुई है बहुत सारी। एक देखो बच्चों, सभी एक बात समझो, देखो मुझे किसी का एब्सेंट लगाना, प्रेजेंट लगाने का कोई शौक नहीं है, ना मेरे को इससे काम पसंद है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे डॉक्टर बनने का मौका मिलना चाहिए। मैं ये सब चीज नहीं मानता कि आप दो दिन क्लास नहीं आए, तीन दिन नहीं आए, परंतु इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर क्लास नहीं कर रहे हो तो आप अपना नुकसान खुद करते हो। ठीक, पढ़ाई एक ऐसी चीज, देखो ये रेलगाड़ी जैसी चीज होती है, अगर मैं रेलगाड़ी को एक बार पटरी से उतार दूं तो बहुत मेहनत लगेगी मुझे उस रेलगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए। रेलगाड़ी जैसे चलती है ना, तो रेलगाड़ी को जब शुरू करते हैं तो बहुत एनर्जी लगती है, परंतु अगर एक बार रेलगाड़ी चल जाती है तो वो धीरे धीरे चलती रहती है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई है, एक बार इसको धक्का लगाया तो ये चल जाएगी, परंतु अगर बार बार आप उसमें गैप देंगे तो आपको नुकसान होगा। मैं किसी को कोई एब्सेंट नहीं लगा रहा हूँ, आप उसमें निश्चिंत रहिए, परंतु अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप आपकी जो रेलगाड़ी है वो रुक जाएगी, मेरा कुछ नहीं रुकेगा, बाकियों का भी कुछ नहीं रुकेगा, आपकी रेलगाड़ी रुक जाएगी। अगर आपने शिक्षा को, पढ़ाई को अपनी 10 दिन के लिए बंद कर दिया कि चलो अपने कहीं घूम आते हैं, शादी ब्याह है, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो आप अपनी जो रेलगाड़ी है उसको अपने आप बंद कर रहे हो। ये काम मत करो, कम से कम जब तक आपका इम्तिहान है तब तक तो बिल्कुल मत करो। जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद आपके पास खूब टाइम होगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। फरवरी आधा निकल गया है, जुलाई में आप एग्जाम दे रहे होंगे, 5 महीने 6 महीने की ये बात है। पर अगर आपने ये 5 महीने अच्छे पढ़ाई कर ली, कुछ पास हो गए, कुछ बन गए, आपको भी अपने ऊपर गर्व होगा, आपके माता पिता को, आपके समाज को और मुझे, हम सबको आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा। तो मैं यही आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि बच्चों आप लोग ये चीज को समझो, इस समय के मोल को समझो सीरियस। सर मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर आप पढ़ाते हैं जो सारा हाईलाइट करके पढ़ाइए सर, और इसका वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो दे दीजिए, और शाम में लाइव यूट्यूब पे सर एमसीक्यू करवाइए सर। क्या कराए सर? ये जो पढ़ाते हैं सर हाईलाइट करके पढ़ाइए पूरा, ठीक है, और इसका वीडियो रिकॉर्डेड दे दीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, और शाम में आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट सर एमसीक्यू करवाइए हम सबसे सर, इससे हमको प्रैक्टिस होते चलेगा सर ट्यूशन करने का। ठीक है, वो भी मैं एमसीक्यू आप लोगों के लिए एक सिस्टम बना रहा हूं, तो वो वेबसाइट पर क्यों रहेंगे ग्रुप से सर एमसीक्यू, ठीक है, वो भी मैं आपके लिए करा दूंगा। वीडियो आप सभी लोग जो है आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो सारे के सारे उपलब्ध हैं, ठीक है। कम से कम मैं अपनी सारी क्लासेस के वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मैंने बाकी टीचर्स को भी बोला है कि भाई आप लोग भी क्या कीजिए, जिनके मैं कर पाता हूं मैं उनके भी कर देता हूँ। मैं दोबारा से उन सभी को बोलूंगा, आप भी अपने फैकल्टी को, जो और फैकल्टी हैं उनको बोलिएगा कि सर आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए क्लास को और सर को भेज दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ से देखो अपने सर को बता भी सकते हो कि ये देखो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें ये 3 बटन दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का बटन होता है, यहाँ हम ये बटन दबा देते हैं तो ये क्लास रिकॉर्ड होने लग जाती है। अब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, देखो ये टाइम आ रहा है कि कितनी देर की रिकॉर्ड हो रही है। ये क्लास रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर आप सभी के लिए ये यूट्यूब पर ऐड है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
मैं इसका वेबसाइट पर भी परमानेंट लिंक बना दूंगा, ठीक है? तो आप वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर आपको ये दिख जाएगा। ये सारी क्लासेस ये अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, अलग अलग हैं। आईएएस वालों की क्लास अलग है, उसमें आप टाइम मत खराब करिएगा। यहाँ पर एक प्ले लिस्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके वहाँ आपके जितने क्लासेस हो रहे हैं, कम से कम मैं सारी क्लासेस, डॉक्टर सुशील की क्लासेस मैंने रिकॉर्ड की हैं, कुछ और क्लासेस हैं, मैं आज अभी सभी टीचर से एक बार बात दोबारा करके फिर ये क्लासेस, ये देखिए, ये यहाँ आपको केवल ये दीप मेडिकल कोचिंग वाली जो क्लासेज हैं यहाँ सारी, ठीक है, ये सारी क्लासेस कल तक की सारी क्लासेज रिकॉर्डेड यहाँ हैं, अवेलेबल हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। जी बोलिए सर, आप एक टाइम में एक आदमी बोलिए, ठीक है? दुर्गेश, ठीक है, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो या बायो हो, केमिस्ट्री हो, पूरा क्लास हाईलाइट करके सर पढ़ाइए, और इससे हमें ज्यादा फायदा होता है सर। ऐसे पढ़ाते हैं तो पता नहीं चलता है कहाँ पढ़ा रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत नहीं होता है सर। आपकी बात को मैं समझ गया, आपको हम हाईलाइट करके ही पढ़ाएंगे। और बताइए, एक्चुअली स्क्रीन पर हाईलाइट करना आसान नहीं होता, आपको अभी हमें भी कई चीजें सीखनी है, एज अ टीचर भी हम लोग कई चीज जानना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए आप। सर फिजिक्स मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे हो जाए तो हमें बेटर समझ में आएगी, मतलब कि और अच्छे समझ में आएगी, अभी आ तो रही है लेकिन और अच्छे से, मतलब कि हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिजिक्स के लिए बात करें, अच्छा बायोलॉजी में कैसा चल रहा है, आप मुझे स्पेसिफिकली बताइए। डॉक्टर सुशील अपनी प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं, वो समझ आता है? जी सर, जी सर, वो फिजिक्स बायो समझ में आ रही है, बायो की कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में मैं अभी बात कर लूंगा, क्लास के बाद फिजिक्स से बात कर लूंगा कि वो कुछ प्रेजेंटेशन या फिर ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर लें, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर लें, ठीक है? तो ये मैं अभी सर से बात कर लूंगा। जी सर, केमिस्ट्री की क्लास में लगवा दो। केमिस्ट्री की क्लास में लगवाता हूँ, अभी तो हमारी चीजें शुरू हो रही है। देखो एक और चीज ध्यान रखना, जो ये क्लासेस हैं ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी, अभी मेरी एक और समस्या है, मैं आप लोगों को फ्रेंकली बता देता हूँ कि मेरी जो है 5 दिन आज और कल को छोड़ के, मतलब मंडे ट्यूसडे को छोड़ के मेरी आईएएस की क्लास होती है, तो मैं अभी उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, और मैं कल लगभग मार्च तक उसमें बिजी रहूंगा, ठीक है? वो मेरी रेगुलर क्लास होती है। उसके बाद जैसे ही वो क्लास खत्म होती है 15 मार्च तक या मैक्सिमम 30 मार्च तक वो मैं खत्म कर दूंगा, हो सकता है बीच में मैंने कोई और टीचर्स के लिए बोला है, तो वो आईएएस की क्लास अगर खत्म हो जाती है तो मैं ज्यादा समय आप लोगों के साथ रहूंगा, ठीक है? हम लोग उन क्लासेस को एक तो लंबा करेंगे कि हम ज्यादा देर की क्लासेस करें, ज्यादा डिटेल में करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। अब मैं इस पूरे सिस्टम को और बेहतर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। आप लोगों के लिए मैंने कुछ चीजें सोची हैं, जैसे आपका एक टेस्ट हुआ, मैंने ऐसा सोचा है कि आपको हर चैप्टर का डेली नहीं तो कम से कम अल्टरनेट डे कुछ एक्सरसाइज रहेगी, आप उसे वेबसाइट पर जाकर उस एक्सरसाइज को, जैसे आपने टेस्ट दिया है वैसे ही आप हर पहले दूसरे दिन जिसमें 50-100 क्वेश्चन डेली आपको करने होंगे, वो एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों के लिए बनवा रहा हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, ये पहला साल है, पहली बार हम मैं इसको कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सीखने को खुद भी समय लग रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य मुझे रखना पड़ेगा, परंतु इसको हम और बेहतर कर देंगे, ठीक है? परंतु मैं आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, देखो टीचर्स कोई भी हो, उन सब की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, आपकी सीमाएं नहीं है, आप अनंत हो, आप इस जगह से समझ सकते हो, इस जगह समझो, उस जगह समझ सकते हो, उस जगह समझो, आपको पढ़ना है, आपको पास होना है, आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है? ये आपको अपना सपना पूरा करना है, उसके लिए आप जो है दृढ़ रहो, चाहे किसी के आगे
किसी से लड़ना पड़े, किसी से भीख मांगनी पड़े, पढ़ाई में किसी तरीके की कोई शर्म नहीं है। चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि नहीं साहब मैंने तो ये करना ही करना है। और अच्छे काम के लिए अगर आप भीख भी मांगोगे, ठीक है, पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें, देखो भीख मांगना बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, परंतु ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप अगर आपको भीख मांगनी पड़ जाए तो आपको भीख भी मांगनी चाहिए। आपको किसी भी स्तर पर जाना पड़े, क्राइम मत करो, गलत काम मत करो, परंतु पढ़ाई के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो। ये शिक्षा ही है। देखो आप सब लोग जिस बैकग्राउंड से आते हो, हम सब लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे पास कोई और साधन नहीं है। हम ये सपना देखें कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक और एक ही साधन है, वो है ये हमारी किताब। हमारे को कहीं से कोई धन संपत्ति, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला कि कल जो है आपको कोई बड़ी लंबी चौड़ी जमीन जायदाद मिल जाएगी, किसी की कृपा हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। कोई आप ये सोचो कि मैं मंदिर जाऊं, रोज घंटी बजाऊं और ये व्रत करूं, ये करूं, इससे मैं कुछ जाऊं, कुछ नहीं होगा। केवल और केवल एक चीज से ही आपका समय बदल सकता है, आपका आने वाला भविष्य एक ही चीज से बदल सकता है, वो आपकी एक किताब है। इस किताब को, इस शिक्षा को आप अगर मोल करोगे तो ही आप सफल बनोगे। आप नहीं तो चाहे किसी नेता के आगे जूते रगड़ते रहो, किसी मंदिर के आगे जूते रगड़ते रहो, कुछ भी करो आप। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोगों के पास एक ही साधन है, सबके पास एक ही साधन है, वो है ये किताब। इस किताब में अगर आप विश्वास रखोगे तो ये आपको आगे ले जाएगी। अगर आप इसमें विश्वास ना रख के किसी और चीजों में कि हम तो फलां बाबा जी को जानते हैं, ये वाला वो काम करते हैं, आप मूर्ख तो बन सकते हो परंतु सफल नहीं बन सकते। सफल बनने के लिए आपको इसी किताब के पास आना पड़ेगा। और ये किताब आप लोग देखिए कि ये किताब ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों को इसने सफल बनाया है। जिसने भी इस पर विश्वास किया है उसने इसको उच्चतम, देखो जो वॉटसन का मैं खुद भी मुझे नहीं अभी याद था कि वॉटसन ने 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी खोज की थी। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको हम पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जिनके बारे में जान रहे हैं, आज जिनकी वजह से हम जीवित हैं, अच्छे हैं, कम बीमार हैं, वो सारे लोगों ने देखो कितनी कम उम्र में इस किताब के भरोसे, साइंस विज्ञान के ऊपर भरोसा किया और यहाँ तक आगे बढ़े। जो ये विज्ञान है ये बहुत शक्तिशाली है और ये आपके भीतर ही है, हमारे भीतर है ये ज्ञान और विज्ञान, पर इसे हमें अपने अंदर से खोजना पड़ता है, इसे अपने भीतर से निकालना पड़ता है, नहीं तो आपका टाइम ही खराब होगा और बाद में आप लास्ट में थोड़ा दुखी हो सकते हैं कि साहब हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारा तो वो खराब है। ये दोष देने वाली बात है, परंतु सबसे बड़ा दोष, मैं हमेशा ये मानता हूं कि हम दूसरों पर दोष देने की बजाय कि जी फला सरकार ये नहीं कर रही, फला ये नहीं कर रहा, मेरे मम्मी पापा नहीं कर रहे, मेरा ये देश में सरकार कुछ नहीं कर रही, ये भगवान कुछ नहीं कर रहा, इस सब की बजाय आप अपने से सवाल पूछिए कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण है। और जिसने ये ठान लिया कि मैं अपने लिए सब कुछ करूंगा, आप अपने से सवाल पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आजकल खूब व्हाट्सएप पर आप देखते रहते हो लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, कोई व्यवस्था पर, कोई कहीं, ठीक है वो एक अलग सवाल हो सकता है, परंतु सबसे बुनियादी सवाल आपका अपने से होना चाहिए कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ये जब सवाल हम पूछेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण जवाब हमें यहाँ से मिलेगा। तो इसमें विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप जरूर सफल होंगे, पर मेहनत करिए। खाली विश्वास रखने से, बड़ी बड़ी लंबी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो जरूर सफल होंगे। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जैसा हमारे फ्रेंड ने बोला है, दुर्गेश ने बोला है। हाँ जी बोलो सर, जो आप जो लेसन कंप्लीट कराते हैं उसका हफ्ते में एक बार टेस्ट ले लिया करो सर, अच्छे से होगा। मैं एक नहीं, एक से ज्यादा बार चाहता हूँ कि मैं उससे ज्यादा बार आप लोगों का टेस्ट ले सकूं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ, कोशिश करूंगा। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितना कर पाऊंगा, हम बहुत कुछ जीवन में अच्छी चीजें करना चाहते हैं परंतु नहीं सारी चीजें सफल हो पाती, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक से ज्यादा बार
उससे कहीं ज्यादा बार टेस्ट लेना चाहता हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार आपके टेस्ट हो जाए, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं, और आप लोग भी टाइम टू टाइम याद दिलाओ। ठीक है, मुझे कोई बिल्कुल भी शर्म नहीं है अगर आप लोग मुझे बार बार याद दिलाओगे। आप कहो सर आपने ये बोला था, करा दो सर, ये करा दो सर, ये कहा था आपने। ठीक है, आप कहो, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, फोन करो, बोलो मुझे कि सर करा दो, ये आपने कहा था करा दो। हाँ, मेरी भी थोड़ी सी, मैं ये जरूर कहूंगा, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हर चीज देखो, चाहना एक चीज होती है, उसको कन्वर्ट करना। जैसे ये मेडिकल की कोचिंग में 2 साल से चाह रहा था कि करूं, शुरू करूं, शुरू करूं, पर साधन नहीं जुटा पा रहा था, पर धीरे धीरे अब शुरू हो पाई है, जैसी चल रही है, ठीक है, और बेहतर करेंगे, हर साल इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। परंतु ये चीज आपको भी मुझे गाइड करना पड़ेगा, मुझे गाइड करने में आप बिल्कुल हिचक मत करिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, है ना। मैं, मेरे को अच्छा लगता है अगर बच्चे आके ये बोलते हैं कि सर हमें पढ़ा दो, आप इधर उधर की बात करोगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर आप ऐसी कोई चीज करोगे, कहोगे कि सर इससे हमें फायदा हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बहुत खुशी से उसे एक्सेप्ट करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे कर पाऊं। ठीक है ना, चलो अभी हम टाइम और नहीं निकालते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पर प्लीज ये सब बातें जो हमारी हमने अभी की है इनको ध्यान रखो। मुझसे बात करने में आप किसी भी तरीके का कोई परहेज मत फील करो, ठीक है। आपके घर में आपका कोई बड़ा भाई होगा, कोई भी आपके घर का बड़ा सदस्य होगा, आप मुझे वो मान सकते हो, ठीक है। और आप जैसे उनसे अपनी समस्याएं कहते हो, आप मुझे अपनी समस्याएं उस तरह से कहो, सारी समस्याएं नहीं, अब आपकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनमें देखो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो समस्या है उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ। आप मुझसे कहोगे कि सर हमारी ऐसी प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो मेरे बस का नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है, आपके डॉक्टर बनने में कोई बाधा है, उसके लिए आप मुझे बताओ, मैं अपना जी जान लगाऊंगा उसमें, ठीक है। ये वादा मैं आप लोगों से कर सकता हूँ कि हाँ ये काम मैं जरूर आप लोगों के लिए करूंगा, बट प्लीज इसको आप लोग भी उतना सीरियसली रखिए। मैं भी आप लोगों से ये बात करता रहूंगा कि भाई आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, डीएनए रेप्लिकेशन पर थे हम, और जो डीएनए रेप्लिकेशन का क्या तरीका होता है, हमने ये पढ़ लिया कि वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब आधा नया आधा पुराना। सेमी का मतलब होता है आधा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है बचाने वाला, तो वो सेमी कंजर्वेटिव, आधा कंजर्वेटिव है, आधा प्रोग्रेसिव है, आधी चीज नई है, आधी इसने पुराने में से बचा ली, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले जान लिया। अब जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है, ये प्रोसेस होता कैसे है, इसमें कई सारे एंजाइम प्रोटीन और सब्सटेंसेस काम करते हैं। वो एंजाइम प्रोटीन सब्सटेंसेस क्या क्या हैं वो हम याद कर लेते हैं। इसका जो मूल सब्सटेंस है, जो कोर सब्सटेंस है, वो है ये डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये बेसिक यूनिट है, ये हम सब लोगों ने पढ़ ही लिया था कि जो डी ऑक्सी राइबो शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और वो फॉस्फेट उसके साथ मिल जाता है, तब जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड बना देता है। तो एक तो ये सब्सटेंस हो गया, और इसके अंदर में ये एंजाइम काम करते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम अभी केवल डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो डीएनए हेलिकेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो इसमें काम आता है। ये सारे नोट कर लीजिए, डीएनए हेलिकेज सबका अपना अपना रोल है। डीएनए पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 1, आरएनए प्राइमेज और डीएनए लाइगेज, ये जो है एंजाइम्स हैं जो इसमें काम करते हैं। ये कोर सब्सटेंस है, मतलब जो उसका रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जिससे कच्चा माल जिससे कि डीएनए बनेगा, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। जो एंजाइम्स उसमें काम करेंगे वो है डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज। यहाँ पॉलीमरेज की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आरएनए प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, और प्रोटीन एसएसबी, जिसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सामान लगते हैं, अगर आपको ये समझो आप डीएनए रेप्लिकेशन करना चाहते हो तो आपको ये सामान लगेगा। जैसे आप सब्जी रोटी कुछ भी बनाते हैं ना, तो हमें सब्जी बनाते समय क्या चीज चाहिए भैया, सब्जी बनाने के लिए आलू चाहिए, मसाला चाहिए, तो ये हमारा मसाला हो गया, ये हमारा पानी या कुछ भी जो भी चीज है,
तो ये सब कुछ हमें चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। याद कर लीजिएगा इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं, कौन सा एंजाइम, ये एंजाइम, क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो इसमें यूज नहीं भी होते हैं, जो आरएनए, तो जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज होने वाले एंजाइम्स हैं वो रेप्लिकेशन में कुछ नहीं यूज होते हैं, तो उनको हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ। अभी हम इसका प्रोसेस याद करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में देखिए, ये इसको फॉर्क रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। फॉर्क जो डीएनए होता है, डीएनए पूरा का पूरा दो हिस्सों में नहीं बंटता, याद रखिएगा कि डीएनए जो है, जो हमारा डीएनए होता है, ऐसा नहीं होता कि जब उसे रेप्लिकेट होना होता है तो वो पूरा का पूरा अलग अलग हो जाए दोनों स्ट्रैंड, क्योंकि इसको सेपरेट करने में बड़ी एनर्जी लगती है, इन दोनों को अलग अलग करने में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे रहते हैं, उसको खत्म करने में एनर्जी बहुत लगती है और वो स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डीएनए अलग हो जाता है। यहाँ का डीएनए आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ का डीएनए जो डबल स्ट्रैंड से अलग अलग हो गया, ये देखो नीली, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब जो नए जहां जहां अलग होता जाता है वहां दो तरह से काम होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज एक तरफ से यहां से काम करता है और ये कॉन्टिन्यूसली एक नया, जो लाल कलर का आप इस तरफ देख रहे हो, ये कॉन्टिन्यूसली इसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये इसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं इसके इस डायरेक्शन की वजह से, M3 M5 और इस जो डायरेक्शन है इसके अटैचमेंट की, इसके कारण इसमें एक तो ये चीज होती है कि जो ये जो नई फॉर्म हो रहा है, एक तरफ डीएनए फॉर्म हो रहा है, इधर आप देख रहे होंगे कि एक लंबी लाइन है पर इधर ये लाइन टूट रही है, अलग अलग जगह ब्रेक्स हैं, तो ये ब्रेक्स क्यों है और इधर ब्रेक क्यों नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ की डायरेक्शन में ये जो प्रोसेस होता है, जो 5-3 वाला बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो 5-3 की तरफ चलता है। जब ये 5-3 की तरफ चलता है तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रेन भी बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस होता है। ध्यान रखिएगा 5-3 वाला कॉन्टिन्यूस होता है, 3-5 की डायरेक्शन वाला कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्योंकि ये 5-3 की तरफ ही बन सकता है, ये 3-5 की तरफ नहीं बन सकता, याद रखिएगा, ये 3-5 की तरफ, देखिए ये 3-5 की तरफ नहीं बनता, यहां भी देखो 5 ही शुरू हो रहा है, तो इधर वाली साइड में जो डीएनए बनेगा दूसरी साइड में, ये डीएनए अलग अलग टुकड़ों में बनता है, यहाँ वाला कंटिन्यूस बनता है और यहाँ वाला टुकड़ों में बनता है, ठीक, और ये जो इसको बनाने का इसको हम क्या बोले बेटा, लीडिंग स्ट्रेंथ को डॉटेड डीएनए भी बोल सकते हैं ना सर, डॉटेड लीडिंग को नहीं बोलेंगे, दूसरी साइड वाले को बोलेंगे, लैगिंग को, डॉटेड का मतलब जहां ब्रेक्स हो, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए पॉलीमरेज ये काम कर रहा है और यहां पर एक ये वो दिख रहा होगा, ये जो अलग अलग जो टुकड़े 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 बन रहे हैं इसको जोड़ने का काम करता है ये डीएनए लाइगेज नाम, ठीक है, डीएनए लाइगेज, देखो ये इनको आपस में जोड़ देगा और ये जो अलग अलग टुकड़े हैं इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये याद रखिएगा ओकाजाकी, ये सवाल आपका आता रहा है। तो इसको ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये दो टेम्पलेट हैं, अब दोनों तरफ अपना डीएनए बन रहा है, बस ये याद रखना है 5-3 वाला कंटिन्यूस होता है या लीडिंग होता है, जबकि जो 3-5 वाला होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा, जो 3-5 की तरफ चल रहा हो, जहां जो प्रोसेस है वो 3-5 की, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है अगर 3-5 की तरफ है तो ये वाला जो है लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। इसको दूसरे तरीके से देखो, एंजाइम्स का हर एक का प्रोसेस देखते जाते हैं, देखो वो जो लाल वाला एंजाइम है ये डीएनए पॉलीमरेज, इसका नाम याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज 3,
ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थ्री ये बना रहा है डीएनए को, इस तरफ जो है दोनों तरफ वही बनाता है डीएनए पॉलीमरेज थ्री। और अच्छा, अब यहां पर एक ये एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है इसका अपना बहुत महत्वपूर्ण काम है कि ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड जो होता है ये बहुत पावरफुली एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से जुड़ता है ये? नीला हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होते हैं? एडेनिन और थाइमिन में कितने होंगे? थाइमिन में तीन होते हैं सर, ग्वानिन और हाइड्रोजन थाइमिन में दो होते हैं। वेरी गुड, ठीक, बिल्कुल सही बताया तुमने। तो साइटोसिन ग्वानिन में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो यदि यहाँ पर ये जो है साइटोसिन है ग्वानिन है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और अगर एडिनिन थायमिन है तो दो होंगे। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये बड़े मजबूत बॉन्ड होते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए काम करता है हेलिकेज एंजाइम। ये इसको सेपरेट कर देता है, इन दोनों को सेपरेट कर देता है। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ से चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, और इस तरफ वाला जो स्ट्रैंड होगा वो स्ट्रैंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, और ये फ्रेगमेंट्स में बनता है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपस में जोड़ दिए जाते हैं डीएनए लाइगेज द्वारा, जिससे कि ये डीएनए बनने का प्रोसेस पूरा होता है। ये सब इसके स्पेसिफिक पॉइंट हैं। जो ओरिजिन जहां पर होता है वो अनवाइंड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। इसके लिए एंजाइम डीएनए हेलिकेज काम करता है। वाई शेप्ड या फॉर्क शेप, फॉर्क आपने देखा ना, वाई जैसा वाई बन गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन वहां वाई बन जाता है। ओल्ड स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट की तरफ काम करता है, ठीक है। और ये जो एसएसबी प्रोटीन है ये अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड, जो हमारा जो डीएनए होता है वो ट्विस्टेड होता है, हमने देखा ना वो ऐसे गोल 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 चक्कर चक्कर घूम रहे, तो वो ऐसे जो चक्कर चक्कर घूम रहे हैं उनको उल्टा करने का काम, अनवाइंड करने का काम, ठीक है, उसको काम करता है ये एसएसबी प्रोटीन। ये मतलब उसमें हेल्प करता है उससे अटैच करके। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्या होता है? कोई नई चीज नहीं है, आपने पढ़ी है। जो हमारा जी के सामने सी आएगा सर, ए के सामने टी, उसको उसी को बोलते हैं। तो मैं इसलिए बोला ये कि कहीं आप भूल ना जाएं। तो वो जो हमने वहां भी पढ़ा था, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर होता, ठीक है। ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, बस ये याद रखिएगा लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है। अगर पेरेंट टेम्पलेट तीन से पांच की तरफ है जी, ठीक है, जिसका तीन से पांच की तरफ जा रहा है, थ्री टू फाइव है, देन इट इज लीडिंग। और अगर वो पेरेंट टेम्पलेट पांच से तीन वाला है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ब्रेक्ड होता है, और उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जिस जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के द्वारा बनता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तीन से पांच वाला क्या है? लीडिंग, लीड आगे कौन बढ़ रहा है? तीन से पांच, तीन से पांच की तरफ चल रहा है तो लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, और पांच से तीन वाला जो है पीछे पीछे उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उल्टा चल रहे हैं, पांच से तीन हम नीचे जा रहे हैं। तो इसको ऐसे भी याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो कि लीड मतलब जो बढ़ रहा है, तीन से पांच की तरफ जा रहा है। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग स्ट्रैंड पेरेंट टेम्पलेट ऑफ थ्री टू फाइव। ध्यान रखिएगा, पेरेंट टेम्पलेट जो बन रहा है वो फाइव टू थ्री की तरफ बनेगा, ठीक है। तो अगर पेरेंट टेम्पलेट पांच से तीन से पांच वाला है तो वो क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड। और जो पांच से तीन की तरफ होगा वो होगा लैगिंग स्ट्रैंड। और इसमें ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आएंगे, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होंगे। और ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं यहाँ पर आरएनए प्राइमर भी बनता है, ठीक है। आरएनए प्राइमेज ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की साइड में आरएनए प्राइमर बनता है,
बाकी तो ये सब वही चीजों का रिपीटेशन है। ये प्रेजेंटेशन में मैं आज देखता हूँ जितनी प्रेजेंटेशन वेबसाइट पर डलवा सकूं तो आज मैं डलवाता हूँ। अच्छा, अब हमने किस किस का रोल देख लिया? हमने डीएनए पॉलीमरेज थ्री का रोल देख लिया। डीएनए पॉलीमरेज थ्री क्या करता है बताइए? बेसिक सिंथेसिस जो बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज दोनों साइड में डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। जो आरएन डीएनए पॉलीमरेज वन है वो क्या कर रहा है? जो दूसरा वाला साइड था जहां आरएनए प्राइमर था उसको रिप्लेस करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, उसके लिए काम करता है डीएनए पॉलीमरेज वन। और डीएनए पॉलीमरेज टू क्या करता है? ये दोबारा से चेक करता है, ये चेकिंग वाला आदमी है, ठीक है ना, एक क्वालिटी चेक में। ये तो बना रहा है, ये तो वो मजदूर है डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो बेसिकली बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज वन दूसरी साइड में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट वाली साइड है, क्योंकि उस साइड में आरएनए प्राइमर बनता है पहले, तो आरएनए प्राइमर वाली साइड में काम करता है डीएनए पॉलीमरेज वन। और डीएनए पॉलीमरेज टू ये चेकिंग का काम करता है कि भाई कोई ये पॉलीमरेज थ्री ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, काम ठीक ठाक किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। और डीएनए लाइगेज हो गया, ये डीएनए लाइगेज क्या करता है? ये जो इस साइड साइड में ये इनको जोड़ देता है, जो अलग अलग टुकड़े बन रहे हैं डीएनए के, क्योंकि लैगिंग साइड में डीएनए टुकड़ों में बनता है, उसको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। और एक हेलिकेज एंजाइम था, वो क्या करता है? सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है, दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। अब ये वापस हम अपने यहां तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। आप एक बार सर डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन को एक बार फिर से समझाइएगा सर, वो फिगर जो था उसको। बिल्कुल समझा देते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये फिगर दोबारा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पहले ये भी देख लेते, देखो ये हमने चीजें पढ़ी थी, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था ना कि क्या क्या लगेगा एंजाइम। डीएनए हेलिकेज लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3-2-1 लगेगा, आरएनए प्राइमेज लगेगा और डीएनए लाइगेज लगेगा, ठीक है। ये सारा सामान इसमें लगेगा, इसके अलावा जो मतलब एंजाइम्स लगेंगे। सब्सटेंस क्या लगेगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लगेगा और प्रोटीन लगेगा एसएसबी। अब देखते हैं कैसे कैसे कौन क्या कहाँ क्या काम करेगा। जो मेन काम कर रहा है वो ये डीएनए पॉलीमरेज थ्री कर रहा है, बेसिकली जो सिंथेसिस कर रहा है वो ये डीएनए पॉलीमरेज थ्री। यहाँ देखिए दो डायरेक्शन है, 5 से 3 की तरफ चलने वाला और 3 से 5 की तरफ चलने वाला, ठीक है, 3 से 5 की तरफ। और पेरेंट स्ट्रिंग स्ट्रैंड की बात करें, जो नीले वाला है जो मूल प्रति है वो यहाँ पर है 3 से 5 की तरफ जाने वाली, और एक यहाँ पर है, ये इधर 3 से 5 चल रही है, ऊपर 3 है नीचे 5 है, यहाँ नीचे 3 है ऊपर 5 है। जो ये वाली प्रति होगी, जो पेरेंट स्ट्रैंड 3 से 5 की तरफ चलता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि ये जो बनने का काम होता है ये 5 से 3 की तरफ होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और इसे लीडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर इसको बनाते हुए चलता जाता है, ठीक है। इस तरफ जो इस तरफ जो है, फिर दूसरा जो वो है उस साइड में ब्रेक होते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है वो 5 से 3 की तरफ ही हो सकता है। तो ये इधर से बन नहीं सकता, ये बनने के लिए यहाँ से बनने का काम शुरू नहीं हो सकता। हम ये सोचें कि भाई यहाँ से ये भी इधर ही कोई बनना शुरू कर दे, नहीं बनेगा, ये हमेशा यहाँ से ही बनेगा, ठीक। अब जब ये यहाँ से बनता है तो इसे फ्रेगमेंट्स में बनना पड़ता है, टुकड़े टुकड़ों में बनना होता है। ये जो टुकड़े टुकड़ों में बनता है इसको बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज द्वारा, ठीक है। यहाँ जो इसको सेपरेट करने का, ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है इसको अलग अलग करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। ये देखो ये एंजाइम जो है, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, इसको अलग करने का काम कर रहा है हेलिकेज एंजाइम।
यहाँ पर हमारा जो ये आरएनए प्राइमेज है, ये एक आरएनए प्राइमर बन रहा है, ये देखिए, ये जो है एक आरएनए प्राइमर बना रहा है, तैयार कर रहा है बेसिकली उसके लिए, ठीक। यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी डीएनए पॉलीमरेज 2 होगा, वो इसको चेक करेगा कि भाई यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, इन्होंने बनाते समय कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो वो करेगा डीएनए पॉलीमरेज 2 इस काम को। यहाँ पर इस आरएनए प्राइमेज से, आरएनए प्राइमेज ने जो आरएनए प्राइमर के साथ आरएनए प्राइमर बनाया है उससे अलग करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 2। तो हेलिकेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, लाइगेज, हाँ लाइगेज तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, जो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये सारे एंजाइम्स ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है? यस सर। तो अब हम आ जाते हैं अगले हिस्से पर, जिसमें हम रेप्लिकेशन से अब आगे बढ़ रहे हैं। हमने डीएनए की कॉपी तो कर दी, अब डीएनए की कॉपी करने के बाद हमें बनाना क्या है, अल्टीमेटली तो प्रोटीन बनाना है। हमारी बॉडी में क्या मैनिफेस्ट करेगा, हमारी बॉडी में तो डीएनए एज एन प्रोटीन ही मैनिफेस्ट करता है, हमें दिखाई क्या देता है, हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, हमारे सेल बेसिक चीजें सब प्रोटीन से बनी है। तो वो जो प्रोटीन बनने का काम है, पहले डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, और फिर उससे बनता है ये एमआरएनए, ठीक है, आरएनए बनता है, और आरएनए से बनता है, उससे कन्वर्ट होकर बनता है प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और डीएनए जब अपनी कॉपी खुद करता है तो उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेशन क्या है, इट इज सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफाइड बाय एमआरएनए, ये मेन उस समय तक का अपना ओपिनियन जो राय थी जो थी। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, आप लोग मुझे बताइए क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए, वेरी गुड, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसलेशन, कोई दूसरा स्टूडेंट बताए, सभी लोग बोला करो भाई, देखो हाँ, उसको बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। मैं सारी गर्ल्स को बोलूंगा, आप लोग भी भाई बोला करो, हमारे इस क्लास में लड़कियां बहुत कम बोलती हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को बोलना है, बोलना सीखना है आगे जिंदगी भर, नहीं तो आप ऐसे मूक बधिर बन के बैठी रहोगी। मूक बधिर समझती हो, मूक बधिर होता है जो नहीं बोल सकता और जो नहीं सुन सकता, ठीक है, तो आप वो नहीं हो, आप बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो। जब आप सुन सकते हो तो बोलना भी सीखो, बोलो, पार्टिसिपेट करो, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तक आप नहीं बोलोगे नहीं बढ़ेगा, प्लीज बोलो, ठीक है, गलत बोलो कोई बात नहीं, या कोई आपको नहीं जानता, किसी को नहीं पता आप कौन हो, केवल मुझे पता है, मैं ही जानता हूँ आप कौन हो, ठीक है, बाकी कोई नहीं जानता यहाँ पर, तो गलत भी बोल दोगे कोई बेइज्जती नहीं हो रही यहाँ पर। तो ये सारे एंजाइम, अब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें क्या क्या लगेगा, उसमें डीएनए हेलिकेज लगेगा, उसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 लगेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, ध्यान रखिएगा, वहां डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2 लगेगा, और राइबोन्यूक्लियोटाइड लगेंगे, पहले थे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड लगेंगे, ठीक है, तो ये तीन चीजें इसके लिए लगेंगी। राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट करता है, और इससे जो है राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनता है, ट्राइफॉस्फेट बनता है, और इसमें जो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करता है, और एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, यू से यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट और टी सी से साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो इन फॉर्म्स में रहता है। कुछ कुछ कहना चाहता है? नहीं सर। ओके डन। ओके, अब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, वो भी उसी तरीके से हो रहा है। सबसे पहले हमारा डीएनए, थोड़ा सा फास्ट कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में डीएनए अनकॉइल होता है, जो डीएनए पहले ट्विस्टेड था अब वो अनकॉइल होता है और वो एक खास साइट पर होता है, ये याद रखेंगे। पूरा का पूरा डीएनए, देखो ये डीएनए का पूरा चेन है, ये डीएनए का पूरा चेन एक साथ अलग नहीं होता, इसका एक ही जगह पर अनकॉइल हो जाता है, थोड़ी सी जगह पर। जैसे यहां पर देखो इस हिस्से में ये अनकॉइल हुआ, मतलब कि जो ट्विस्टेड था वो उसमें क्या बोले एंठ जो होती है ना, हम रस्सी को एंठते हैं, तो ये रस्सी को वापस एंठने का होता है, उल्टा कर दिया हमने, वापस उसे पलट दिया। तो ये जो पलटने का काम है, यहां पर ये अनकॉइलिंग शुरू हुई और किस जगह पर होती है, इस जगह को हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजन ऑफ सिस्ट्रॉन, याद रखिएगा ये नाम, प्रोमोटर रीजन ऑफ सिस्ट्रॉन। और ये इसके लिए काम करता है वही हमारा डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जो कहां पर काम कर रहा था, ऊपर भी जिसने काम किया था। फिर इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 आता है और ये प्रोमोटर सीक्वेंस है। प्रोमोटर सीक्वेंस मतलब वो स्थान होता है जहां से ये आरएनए की कॉपी होना शुरू करता है, जिस जगह डीएनए के जिस स्थान से ये कॉपी होना शुरू होता है, जहां से अनकॉइलिंग शुरू होती है, उस जगह को हम बोलते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहां इसको पहचान लेता है और वहां से आरएनए का सिंथेसिस शुरू करता है, और हमेशा एक ही डायरेक्शन में करता है आरएनए का सीक्वेंस, वो है 5-2-3। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, ये जो डायरेक्शन है हमेशा जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है वो 5-3 ही हो सकती है। सिंथेसाइज जो होगा डीएनए भी और आरएनए भी, दोनों ही 5-3 में ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, 3-5 में नहीं होंगे, उल्टा चलना पड़ता है रेप्लिकेशन में, इसीलिए वो प्रोसेस उल्टा होता है। परंतु आरएनए में क्या होता है, केवल एक ही स्ट्रैंड पर सिंथेसिस होता है, जो 3-5 वाला वो है उसी पर सिंथेसिस होता है, दूसरे वाले टेम्पलेट पर सिंथेसिस नहीं होता। ये देखिए ये वाला जो टेम्पलेट है जो 3-5 में चल रहा है, कौन से में चल रहा है, 3-5 में जो स्ट्रेंथ वो चल रहा है, केवल इसी में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में हो सकता है, 5-3 और 3-5 में भी हो सकता है, 3-5 में, परंतु डीएनए जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए बनने का काम, वो केवल 3-5 पर ही होता है, और दूसरे वाला जो स्ट्रैंड होता है उसे हम कोडिंग बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब रस्सी या वो लाइन, ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड, और ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, जिसको हम कॉपी कर रहे हैं वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये इसका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो डीएनए से आरएनए बन रहा है उसमें सारी चीजें सेम रहती हैं। जो सी है, सी की जगह क्या आएगा, जी आ गया। साइटोसिन की जगह क्या आता है, ग्वानिन। ग्वानिन की जगह क्या आता है, साइटोसिन। थायमिन की जगह क्या आएगा, ठीक है, और फिर साइटोसिन की जगह फिर ग्वानिन। अब एडेनिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिन। हाँ, यहाँ पर अंतर है, एक ही अंतर है इसमें, वो यही अंतर है कि यहाँ पर जब एडिनिन होगा तो वो यूरेसिल आएगा। आरएनए में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड है, वो है यूरेसिल, जो हमने उस दिन पढ़ा था कि ये केवल आरएनए में ही आता है यूरेसिल, ये उसमें नहीं आता, और ये ए की जगह पर आता है, टी की जगह पे ए आएगा पर एक ही जगह पे यू आ जाएगा। ये बस इतना फर्क है इसमें, बाकी सब जो प्रोसेस है वो सबका सेम है। तो ये याद रखेंगे, सी का बनेगा जी, जी का बनेगा सी, टी का बनेगा ए, ए का बनेगा यू। डीएनए में टी बनेगा पर यहां पर यू बन जाएगा, ए हो जाएगा उल्टा, ए का उल्टा। तो ए को उल्टा करना है, बाकी सबको एज इज इट रखना है जैसे हमने डीएनए में करना।
ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमारा हो गया। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अगर हम फोटो में देखें तो किस तरह से काम। हाँ जी बोलो सर, ये सिस्ट्रोन क्या होता है? सिस्ट्रोन अभी आएगा, चिंता मत करो, आएगा, वेट करो, ठीक है। मैं इसलिए मैंने वहां पर समझाया नहीं, अभी आएगा, समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी? 5 to 3 or 3 to 5 होगी या 5 to 3 होगी? 5 to 3 सर। 5 to 3 कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि डायरेक्शन 5 to 3 होगी? यस 3 होगी। शिवेंद्र, तेशा, 5 to 3, सुजीत, तरुण, और कितने ऐसे हैं जो ये मानते हैं 3 to 5 होगी? 5 to 3। अच्छा ठीक है, आप 5 to 3 वाले हो गए। अब तुम बताओ 3 to 5 वाले लोग, 3 to 5 है कोई? 3 to 5 सर, यस सर, 3 to 5। सुजीत, ओके, गलत हो सुजीत आप। 5 to 3 वाले जीत गए, क्योंकि ये डायरेक्शन हमेशा, अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था ना, एक ही डायरेक्शन, देखो 5 to 3 ही बनता है आरएनए, दूसरे की तो कॉपी नहीं होती। डीएनए रेप्लिकेशन में हो सकता है, आरएनए बनने में नहीं होता। तो आरएनए में हमेशा डायरेक्शन 5 to 3 ही रहेगी, केवल एक स्ट्रैंड, ये जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी, हेंस अमंग 2 strands ऑफ डीएनए 1 strand 3 to 5 एंड एक्ट एज टेम्पलेट। जिसकी कॉपी होती है वो 3 to 5 होता है, और जो बनता है वो 5 to 3 बनता है, ठीक है? होता है जी। यहाँ देखो 3 to 5 वाले की कॉपी हो रही है, 5 to 3 में बन रहा है, ये याद रखना है। तो ये यानी कि केवल 3 to 5 वाले की ही कॉपी होगी और केवल 5 to 3 ही बनेगा, ठीक। तो ये हमारा डायरेक्शन है, जहां पर हमारा ये देखो, ये यहाँ पर अनकॉइलिंग हुई, प्रमोटर रीजन, ठीक है, ये जहां से शुरुआत हो गई वो प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन यहाँ पर अनकॉइलिंग हुई, अनकॉइलिंग में एक स्ट्रैंड, देखो ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब इसकी कोई कॉपी नहीं हो रही है, ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। परंतु जो दूसरी है, जो 3 to 5 चल रही है, इसकी कॉपी हो रही है, है ना? अब ये जो कॉपी हो रही है, ये आरएनए अपना नया ग्रीन वाला बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो नया आरएनए बन रहा है। तो ये वो एक्टिव साइट है डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन की। सर, हाँ जी, जो सर नहीं बना रहा सर, उसे कोडिंग, हाँ उसे कोडिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, कोडिंग बोलते हैं उसको, और जो बना रहा है उसे टेम्पलेट बोलते हैं जी। उसका दूसरे शब्दों में हम उसे नॉन टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट का उल्टा नॉन टेम्पलेट, या इसे कोडिंग स्ट्रैंड, आप दोनों में से कोई भी नाम लेना चाहो, आपकी चॉइस है, आप रख सकते हो, ठीक है। पर अगर कहीं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी आ जाए तो वो गलत नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये टेम्पलेट नहीं है, तो सही बात है, टेम्पलेट नहीं है वो, है ना, ये टेम्पलेट है, नीचे वाला टेम्पलेट है, ऊपर वाला टेम्पलेट नहीं है, ये हमारा वो हो गया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे बेसिस है, ये एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, उसे बनाते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और जब ये प्रोसेस रुकता कब है? जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसमें एक टर्मिनेटर, एक शुरू करने वाला पॉइंट है इनिशिएटर या प्रमोटर, और एक फाइनल पॉइंट है जिसे टर्मिनेटर पॉइंट कहते हैं। जब ये टर्मिनेटर पॉइंट पर पहुंचेगा तो रुक जाएगा और सिंथेसिस नहीं करेगा आरएनए पॉलीमरेज, ओके, ठीक है। अब जो ये नया एमआरएनए इसमें बनता है, ये हेट्रोजिनस आरएनए कहलाता है, एचएनआरए, ठीक है। इसके बाद जो बनने के बाद हेट्रोजेनस आरएनए, इसके बाद स्प्लाइसिंग होती है, कटिंग होती है, छांट काट छांट होती है इसके अंदर। जो आरएनए हमारा बना, जो एमआरएनए हमारा बना, जिसको हम हेट्रोजेनस एमआरएनए कह रहे हैं, आरएनए कह रहे हैं, ये आरएनए बाद में इसकी काट छांट होगी। तो मतलब बनने के बाद ऐसा नहीं कि ये फाइनल नहीं है, ये जो बना है ये भी फाइनल नहीं है, ये बाद में इसकी क्या होगी, ग्रीन वाले की स्प्लाइसिंग, लिख लो स्प्लाइसिंग, इसके बाद अब इसका अगले बाद में स्प्लाइसिंग होगी, मतलब इसकी काट छांट हो जाएगी। जितना ये यूकैरियोटिक एमआरएनए है, इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं,
एक्सॉन्स एंड इंटरॉन्स होते हैं। जो इंटरॉन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इंटरॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, और वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, डिफाइंड ऑर्डर में, मतलब बॉडी के अंदर में मॉलिक्यूलर लेवल पे इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम काम करता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम सबके शरीर में इतना कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री काम कर रही है कि कौन सा प्रोसेस कब होना है, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ होता है, लगभग 100%, बहुत ही रेयर टाइम पर कुछ एरर होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी रहती है। तो यहाँ पर एक्सॉन्स और इंटरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन्स और इंटरॉन्स, ठीक है। तो एक्सॉन्स को रखा जाता है, इंटरॉन्स को निकाल के काट छांट दिया जाता है। सब्जी बनाते हैं ना तो बेकार बेकार हिस्सा काट दिया, फेंक दिया, और एक्सॉन को एक तरीके से एक खास सीक्वेंस में जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसको हम कैपिंग एंड टेलिंग बोलते हैं। इसका सर, जो इंट्रॉन में ऐसा क्या सर? हाँ जी सर। हाँ जी, इंट्रॉन में ऐसा क्या होता है जिसे जिसकी वजह से उससे छांट दिया जाता है? देखो ये बड़ा सवाल है, अभी उसका पूरा जवाब नहीं दूंगा, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में उसका दूंगा। एक्चुअली में हमारे जो डीएनए होता है वो सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता, वो सारा का सारा उसमें नहीं होता। बहुत सारा हमारा डीएनए इवोल्यूशनरी कारणों से है, तो कई सारे ऐसे फीचर हैं जो नेचर ने ड्रॉप कर दिए हमारे, ठीक है। जैसे आपकी पूंछ नहीं उग रही, कायदे से आपकी पूंछ होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी ना, हमारी पूंछ नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि नेचर ने ये महसूस किया कि भाई ये चीज की हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसने उस फंक्शन को ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करने के लिए उसने ये इंटरॉन का सिस्टम बनाया कि जिस जिस फंक्शन को उसने चाहा कि हमें ड्रॉप करना है, उसने वहां पर उसको हटवा दिया। ये हमारा इवोल्यूशन का प्रोसेस है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई। कैपिंग मतलब कि हम जो उसके दोनों सिरे हैं उन पर कैप कर देते हैं, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइडिंग में मेरी साइड नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो टेलिंग में होता है एडेनिलाइट रेजिड्यूस और कैपिंग में होता है मिथाइल ग्वानोसाइन। बस इसको याद कर ले, मतलब दोनों एंड्स पर हमने एक कैप लगा दिया और एक टेल लगा दी, एक साइड उसको बंद कर दिया। और ये जब सब कुछ बन जाता है HNRNA, तो ये न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया जाता है फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या हुआ? जब हम उसको कन्वर्ट करके, RNA को कन्वर्ट करके प्रोटीन बनाएंगे। है ना, हेट्रोजेनस HNRNA बनाया, उसको फिर हमने न्यूक्लियस के बाहर भेज दिया mRNA, ठीक है। mRNA क्या होता है? ये mRNA हमारा मैसेंजर RNA कहलाता है। ये हमारे लिए DNA से प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज लेकर चलता है, और ये टोटल RNA का 5-10% ही होता है। टोटल RNA का 5-10% हमारा होता है mRNA, और ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोडॉन के फॉर्म में, ट्रिपलेट कोडॉन्स के फॉर्म में लेकर जाता है। जो तीन हमारे सीक्वेंस होंगे, कोई से भी AUC CUA कोई भी होगा, पर वहां पर केवल तीन का कोडॉन बनता है, कोडिंग सीक्वेंस होती है। जो mRNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये सब मैंने आपको बता दिया, मिथाइल ग्वानोसाइन उसको कैप करता है और एडेनिलाइट उसको टेल करता है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये यहां से ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है, उसके लिए इनिशिएटर, एक इनिशिएटर कोडॉन होता है। इसके तुरंत बाद, कैप के बाद तुरंत बाद एक इनिशिएटर कोडॉन होता है जो होता है हमारा AUG, ठीक है।
ये हमारा सिंथेसिस के प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट करेगा। ये जैसे स्ट्रक्चर है ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग एमआरएनए का, ठीक है, ये हमारा वो आरएनए है जो हमारे लिए कोड कर रहा है। इसमें कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, इनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये कोई काम नहीं करेंगे। देखो ये दोनों साइड कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन है। यहाँ देखो कैप आ गया, ये एमआरएनए है, तो यहाँ इसका कैप है, यहाँ इसकी टेल है। कैप बनी थी किससे? मिथाइल गोनोसाइन से, और टेल बनी थी हमारी किससे? एडेनोलाइड से, ठीक है, इससे बनी है टेल। उसके बाद फिर कुछ यूटीआर है, यूटीआर क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन, और जो ये यहां से शुरू होगा इसका सिंथेसिस और यहां आके खत्म हो जाएगा, ये इसकी केवल कोड सीक्वेंस है। और ये इसके बाद इसका दूसरी साइड भी कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन है, इसकी कॉपी नहीं होती। और ये शुरू होता है एक इनिशिएटर कोडोन से, जिसको हम जो AUG होता है, यहाँ से ये देखो ये AUG, ठीक है, ये यूकैरियोटिक एमआरएनए में ये AUG से शुरू होता है, यहाँ से ये शुरू होता है और ये खत्म हो रहा है UAG पर। एग्जॉन, ठीक है, नेक्स्ट टू इनिशिएटर कोडोन जो कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इनिशिएशन के बाद फिर यहां से ये कोडिंग शुरू हो गई, और ये हर एक जो रीजन है ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, एक खास तरीके का प्रोटीन बनाएगा, और इसको हम एग्जॉन्स बोलते हैं। हमने पहले पढ़ा था एग्जॉन होते हैं, इंटरॉन होते हैं, इंटरॉन को काट दिया जाएगा, एग्जॉन को जो फिर बचा लिया जाएगा और उनको जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि फिर वो क्या बन जाएगा, HNRNA, जिसको न्यूक्लियस से बाहर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भेजा जाएगा। और ये है टर्मिनेटर कोडोन। टर्मिनेटर कोडोन तीन तरीके के हैं, UAA, UGA एंड UAG, ये याद कर लीजिएगा। इनिशिएटर कोडोन AUG होता है, टर्मिनेटर कोडोन UAA, UGA और UAG, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम UAA भी मिल सकता है, हमें UGA भी मिल सकता है, या UGA, इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है। यहाँ पर आकर आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फंक्शन ऑफ आरएनए, ठीक है, आरआरएनए। अब इसमें राइबोसोमल आरएनए भी होता है, एक तो हमने एमआरएनए पढ़ लिया, अब राइबोसोमल आरएनए। तीन आरएनए बेसिकली काम करते हैं, तीन के अलावा भी कुछ और आरएनए होते हैं, परंतु जिनकी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो है एमआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, TRNA, तो ये तीन RNAs हैं हमारे, ये हमारे शरीर में इस काम के लिए अलग अलग भूमिका निभाते हैं। तो जो ये राइबोसोमल RNA है, ये राइबोसोम्स को mRNA के साथ जोड़ता है। इसके अलावा ये एंजाइम का भी काम करता है, एक राइबोसाइम के फॉर्म में ये एंजाइम का भी काम करता है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्या जरूरी होता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड भी आरआरएनए बनाता है। इन दोनों के डीएनए और आरएनए का फर्क आप लोग नोट कर लीजिए। ये डीएनए हाई मॉलिकुलर वेट होता है, ये लो मॉलिकुलर वेट होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, यहाँ पर केवल राइबोस शुगर होता है, यहाँ थाइमिन प्रेजेंट होता है, यहाँ थाइमिन ना प्रेजेंट होके यूरेसिल प्रेजेंट होता है। हाँ, इसके अलावा इसमें अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस नहीं होते, इसमें डीएनए में और अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसिस नहीं होते, पर इसमें होते हैं, इसमें कुछ और नाइट्रोजन बेस भी होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीछे भी पढ़े एडेनोलाइड था, तो इस तरीके के नाइट्रोजन बेस भी होते हैं। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और आरएनए वायरस का लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जेनेटिक मटीरियल है। वायरस का जेनेटिक मटीरियल हमारा है आरएनए और डीएनए उसका, ठीक है।
आरएनए पॉलीमरेज, इसको छोड़ देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज वन इज फाउंड, ये थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले हो रहा हूं। तो आरएनए पॉलीमरेज मेन काम करता है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए के लिए, आर जो राइबोसोमल आरएनए है उसको बनाने में, और ये कहलाता है राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल्स। ठीक है, न्यूक्लियोलस को इसीलिए हम बोलते हैं, ये यहाँ मौजूद होता है न्यूक्लियोलस में, तो इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल्स बोलते हैं। ये डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोकैरियोट्स में होता है, जो डीएनए सीक्वेंस जो प्रमोटर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में, और एक ये टाटा बॉक्स है, इसको आप देख लीजिए गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। ठीक है, ये प्रमोटर रीजन है यूकैरियोट में। ठीक है, तो टाटा बॉक्स एंड प्रिबनाव बॉक्स, इनको याद रखिएगा, प्रिबनाव बॉक्स इज एन प्रोमोटर रीजन इन प्रोकैरियोट्स एंड टाटा बॉक्स इज प्रोमोटर रीजन इन यूकैरियोट्स। अब हम कंसेप्ट ऑफ जीन पर चलते हैं कि हमारा जीन जो है मेन कॉन्सेप्ट था, बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हम एक्वायर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, जीन के द्वारा कर रहे हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था, मेंडल ने हमें क्या बताया, जीन का शब्द किसने दिया, ये सब हम मैं छोड़ रहा हूँ। ऑसवर्ल्ड एवरी, ठीक है, इसका इन्होंने बताया था कि कोई सब्सटेंस होता है जो हमारे उसको जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। थोड़ा थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आपके पास रहेगी, आप लोग इससे खुद भी देख लीजिएगा। तो उन्होंने ये बोला, ये स्मायर बेंजर, ठीक है, इन्होंने जीन के कॉन्सेप्ट को बताया। ये जो आज हम जीन का कॉन्सेप्ट जानते हैं, उस जीन के कॉन्सेप्ट को हमें साइमर बेंजर इन्होंने बताया कि जीन क्या होता है। जीन के अंदर में सिस्ट्रॉन रेकॉन, इन्होंने बोला सिस्ट्रॉन होता है, रिकॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और रेप्लिकॉन होता है। ये सब क्या क्या होते हैं। सिस्ट्रॉन जो होता है ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, ये बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है जिससे प्रोटीन की का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो जो किसी ने पूछा था कि सिस्ट्रॉन क्या होता है, तो सिस्ट्रॉन वो होता है जो डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, जिससे जिस डीएनए जितना लंबा डीएनए होता है हमारा ना, वो पूरे का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आता। सारा का सारा डीएनए, जितने लाख बेस पेयर है, कितने बेस पेयर है ह्यूमन में, इंसान में कितने बेस पेयर है, 3.3 × 10⁻¹. वेरी गुड, वंडरफुल। ठीक है, तो इतने जो हमारे बेस पेयर हैं, इन बेस पेयर में सभी के सभी काम नहीं आते। हमारे शरीर में आज के समय में जो रिसर्च है उसके अनुसार करीब 25,000 से 30,000, कुछ एस्टिमेट्स में 22,000 से 25,000 के आसपास जीन हैं हमारे बॉडी में। पहले ऐसे माना जाता था कि ज़्यादा जीन से, पर आज के समय में जो अभी रीसेंट रिसर्च है उसके अनुसार हमारे शरीर में लगभग 25,000 या 30,000 जीन्स हैं, और ये सभी जीन्स फंक्शनल जीन्स नहीं है। कुछ ही जीन्स इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो ये काम करते हैं वो कहलाते हैं, जो फंक्शनल हैं, जो एक्चुअली में कुछ बनाते हैं वो कहलाते हैं सिस्ट्रॉन। एक है रिकॉन, ठीक है, ये डीएनए का वो हिस्सा है जो कि रिकॉम्बिनेशन में चला जाता है, रिकॉम्बिनेशन के काम आता है। फिर है म्यूटॉन, ठीक है, ये डीएनए का वो हिस्सा होता है जो म्यूटेशन में जाता है, जो जिसके अंदर म्यूटेशन हो सकती है। और फिर है रेप्लिकॉन, जो कि रेप्लिकेशन में जाता है। तो रेप्लिकेशन में जाने वाला रेप्लिकॉन, म्यूटेशन में जाने वाला म्यूटॉन, रिकॉम्बिनेशन में जाने वाला रिकॉन, और सिस्ट्रॉन जो फंक्शनल यूनिट है, दैट इज जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो कहलाएगा सिस्ट्रॉन। ओके, तो ये हम
जो हमारे सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीन न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, जैसे हमने ऊपर याद किया था ना, ए यू जी, कुछ भी, कोई भी तीन हो सकते हैं, उनके से ही अमीनो एसिड्स का डिटर्मिनेशन होता है। वही सीक्वेंस तय करता है कि अमीनो एसिड क्या होगा, और ये जेनेटिक कोड कहलाता है। इसको कंबाइन करके तीनों स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बनाते हो, उनको हम कोडॉन बोलते हैं। फिर यहाँ पर एंटी कोडॉन का भी कॉन्सेप्ट है। ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बनाते हो एंटीकोडोन आर्म में, टीआरएनए में ये एंटीकोडोन आर्म होता है, तो वो कहलाता है एंटीकोडोन, और कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटीकोडोन। ये तीन न्यूक्लियोटाइड वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया है, थ्री स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड? नहीं, एक बार और बता दीजिए। देखो ऐसा है कि हमारे, हमने जितना वो पढ़ा ए यू जी और जितनी सारी चीजें पढ़ रहे थे, कोई भी बोलो, जरा कुछ भी बोलो भाई, नंबलेट से ए यू जी, कुछ भी, हम कुछ भी बना सकते हैं, ए जी यू ए जी, कुछ भी बना सकते हैं, उनके जितने भी कॉम्बिनेशन हम सोच सकते हैं, ठीक है। वो हमेशा पेयर्स में काम करते हैं, पेयर नहीं, ट्रिपलेट्स में। ये जो बेस पेयर होते हैं ये ट्रिपलेट्स में काम करते हैं, तीन के जोड़े में, ठीक है, तीन के जोड़े में काम करते हैं। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है ये तीन के जोड़े में काम करते हैं, और ये तीन के जोड़े अमीनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड, ठीक है, इसको हम एक जेनेटिक कोड बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। ये अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाने में काम करते हैं, तो डीएनए में अगर वो होगा तो वो कहलाएगा जेनेटिक कोड। अब अगर वो आरएनए में हो जाएगा, अब जैसे मान लो इसका मैंने एजीटी का आरएनए बनाओ, एजीटी का आरएनए क्या बनेगा भाई, ये डीएनए है, ध्यान रखना, एजीटी का आरएनए बनाओ क्या बनेगा, यूसीए, CA, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा डीएनए है, डीएनए में कोड है AGT, तो ये हमारा हो गया जेनेटिक कोड। AGT इज द जेनेटिक कोड फॉर दैट पर्टिकुलर, जेनेटिक कोड क्या है AGT, उदाहरण ले रहे हैं हम, ये केवल एक एग्जांपल के तौर पर। तो इसी का जो कोडॉन बन जाएगा, क्योंकि UGA is the mRNA कोड, ये इसका कोडॉन बन जाएगा, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड से बन गया कोडॉन। इसी का एक उल्टा भी है, जिसको हम tRNA में जो मौजूद रहता है उसको हम एंटी कोडॉन कहते हैं। इसका उल्टा tRNA में मौजूद रहेगा उसको हम एंटी कोडॉन कहते हैं। तो क्लियर है मेरे ख्याल से? तो चल, तो इसके कुछ फीचर, जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट्स में होंगे, ये हमने पढ़ लिया। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होंगे, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसे जेनेटिक कोड्स होंगे। जेनेटिक कोड्स ओवरलैप नहीं करेंगे, आर नो ओवरलैपिंग, दोनों जेनेटिक कोड एक दूसरे के ऊपर नहीं ओवरलैप करते। ऐसा नहीं होगा कि ए यू जी और जी के ऊपर ए भी आ गया, नहीं होगा ऐसा। जेनेटिक कोड में कॉमा गैप नहीं होते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता है जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड डीजेनरेटिव इन नेचर है, यही एक चीज है जिसको शायद आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो कि डीजेनरेटिव इन नेचर होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही कोडॉन, जो हमारा एक ही कोडॉन है, उससे कई सारे कोडॉन एक अमीनो एसिड बना सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे बस, कि जैसे यहाँ जी यू ए है, जी यू जी है, जी यू सी है, और जी यू यू है, ये सारे के सारे वेलिन नाम के अमीनो एसिड को बनाते हैं, यानी कि चारों अलग अलग, ये यूनिक नहीं है,
ये स्पेसिफिक उसके लिए यूनिक नहीं है, ठीक है। ये अब ये है कि ये कोई दूसरा नहीं बनाएंगे, ये बात ठीक है कि GUA केवल वैलिन बनाएगा, पर वैलिन को बनाने वाले मोर देन वन कोड हो सकते हैं। ये इनके इनका चार्ट है, ये हमारी इसमें भी दिया हुआ है NCERT में, ये वेबसाइट पर भी कर लेंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कौन से देखो यहाँ पर ये स्टॉप वाले भी हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, स्टॉप वालों को कौन सा कोड बोलते हैं, इनिशिएटर या प्रमोटर और टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर कोड है, ये बता देते हैं कि ये टर्मिनेट कर दो। कौन कौन से टर्मिनेटर हैं, UAA UAG UGA, याद रखना इसको, ये इसको भूलने का हमारे पास स्कोप नहीं है। और ये यही वाला था ना जो इनिशिएटर होता है, AUG, ये हमारे AUG था या कुछ और था, ये हमारा हो गया। तो इनिशिएटर कोडोन है हमारा AUG, ये शुरू करता है, यहाँ ये बताता है कि यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होनी है, ठीक है। और इसके अलावा ये मीथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड भी बनाता है, ठीक। तो ये दो काम करता है, इनिशिएटर का काम भी करता है और मीथियोनिन बनाने का काम करता है। फिर कुछ है टर्मिनेटर कोडोन, टर्मिनेटर कोडोन जो है तीन वो होते हैं, इन 64 कोडोन्स में से ये तीन हमने जो अभी याद किए, ये कोई अमीनो एसिड नहीं बनाते बट ये टर्मिनेशन का काम करते हैं, और इनको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। टर्मिनेटर कोडोन के अलावा इनको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। जो जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस है, तो ईच कोडन कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड ओनली वन अमीनो एसिड, मतलब वो एक ही बनाएगा, कई सारे अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड बना सकते हैं पर एक अमीनो एसिड को एक ही बनाएगा। जेनेटिक कोड यूनिडायरेक्शनल है, ये हमने याद कर लिया था कि केवल 5 से 3 की दिशा में ही चलता है। और ये वाला ये भी कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं कि जो हमारे जैसे जो मल्टीपल वाले हैं उसमें भी एक बात याद रखनी है कि जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट है, देखो GU, चारों में GU है, वेलिन को जो बना रहे हैं इन चारों में GU है, पर ये लास्ट वाला बदल रहा है, A है, C है, G है एंड U है। तो इस वाले कोडोन को, तीसरे नाइट्रोजन बेस को हम वॉबल बेस, वॉबलिंग होता है जो मतलब जो क्या बोलते हैं वॉबलिंग, जो अनस्टेबल हो, वॉबल उछलने वाला, तो ये जो तीसरा वाला जो बेस है ये वॉबलिंग बेस है, वॉबल बेस है, ये बदल जाता है, ठीक है, परंतु इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये याद रखेंगे कि हमारे जो शुरू के दो कोड्स हैं वो किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे किसी में भी देखें तो पहले दो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये बनाने में लास्ट में UC चेंज हो रहा है, AG चेंज हो रहा है, जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं पहले दो चेंज नहीं हो रहे, केवल तीसरे वाला जो कोडॉन जो नाइट्रोजन बेस है वो चेंज हो रहा है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर, ट्रांसफर RNA, ठीक है, इसका अपना भूमिका है, ये हमारे अमीनो एसिड्स को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पर ये RNA को कैरी करता है और यहाँ पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, tRNA, ट्रांसफर RNA। हमारे टोटल RNA का 10-50% tRNA होता है और इसका जो शेप है वो क्लोवर लीफ मॉडल में है, इसको बताया था अमेरिकन साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट रॉबर्ट हॉले ने, याद रखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। ये क्लोवर लीफ जो है, जो ट्राइफोलिएट, ये जो क्लोवर प्लांट होता है उसकी शेप लिए हुए होता है। मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहता हूँ, tRNA आप एक बार देख लेना।
इसका फंक्शन क्या है? इट कैरीज स्पेसिफिक अमीनो एसिड टुवर्ड्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां पर ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ले जाता है, जहां जिसकी जरूरत होती है उसे वहां पर लेकर जाता है टीआरएनए, इसीलिए इसको ट्रांसफर डीआरएनए बोलते हैं। फिर है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये हमारे शरीर में करीब 80% होता है टोटल आरएनए का। तो हमारा जो एमआरएनए है वो भी 10 से 15 हुआ, जो टीआरएनए है वो भी 10 से 15%। सबसे मैक्सिमम आरएनए जो हमारे शरीर में है, कृपया आप ना माइक्रोफोन बंद कर लीजिएगा, तो सबसे ज्यादा जो आरएनए हमारे शरीर में है वो है राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसलेशन हमने पढ़ लिया, एमआरएनए से वो बनता है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जिससे कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी ये आप याद कर लेंगे। ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, अमीनो एसिड, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, पेप्टिडाइल सिंथेटेज, एटीपी जो कि एनर्जी पैकेट्स और जीटीपी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो 5 स्टेप में होता है। नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। पहले हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे, फिर अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वो एक्टिवेट करके उसे लेके जाना है, ट्रांसफर आरएनए है। फिर इनिशिएशन पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना शुरू होगा, इलोंगेशन, फिर वो लंबी होती जाएगी ये पॉलीपेप्टाइड चेन, और फाइनली टर्मिनेशन होगा। तो इतना ये लग सकता है मुश्किल, बट एक्टिवेशन, ट्रांसफर, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ATIET याद कर लीजिए, ATIET। इसके 5 स्टेप क्या है मेरे साथ बोलिएगा, क्या क्या स्टेप है, बस यही इसमें याद कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। ATIET क्या हुआ? A for? A for? इसका मतलब क्या हुआ तो बताओ। A for activation, A for activation, activation of amino acid. T for transfer, transfer of amino acid by tRNA. जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस है। आई फॉर इनिशिएशन, ई फॉर इलोंगेशन एंड टी फॉर टर्मिनेशन। याद हो गया है ना, 5 स्टेप है इसमें। ATIET, इन ATIET को याद रखना और इसको एक्सप्लेन कर देना, आपको पूरा याद हो गया। डन, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये ATIT ये कैसे हो रहा है? स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कहां पर होता है ये सिंथेसिस? साइटोप्लाज्म में। इनको एक्टिवेटेड उसको लेकर जाते हैं, ये प्रोसेस को आप खुद पढ़ना, ठीक है। मैं अभी थोड़ा स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरा चैप्टर हो नहीं पाएगा नहीं तो। अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, ये अटैचमेंट हो गया, ये इनिशिएशन का स्टेज हो गया जो हमने पढ़ा था, ए एक्टिवेशन, टी ट्रांसफर, फिर अब ये प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है जो प्रोटीन सिंथेसिस का, जो हमारा एमआरएनए है उससे, ये देखो ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो गया। आप लोग इसे कर लोगे जी? मुझे कराने की जरूरत है, ये इतना इंपॉर्टेंट। यस सर करेंगे। यस सर, यस, ठीक है। तो ये इसके बेसिक स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में ये काम होता है और लास्ट में इसका टर्मिनेशन होगा, जिससे जो वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही थी वो टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से हमारे साथ शुरू होगा लैक ऑपरेंट का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम ये करेंगे 3 चीजें, लैक ऑपरेंट,
ये क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या क्या है, और फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तीन चीजों को हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। कल की क्लास का अभी मैं कोई शुरू, हाँ जी हाँ जी क्या बोल रहे हो, मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं है डियर, थोड़ा सा दोबारा बोलो सर, एमसीक्यू करने के लिए। अच्छा एमसीक्यू, ठीक है एमसीक्यू कराते हैं आपको, मैं एमसीक्यू आपको कोशिश करता हूँ दो एक दिन में ही आपको भिजवा पाऊँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो, ओके बाय बाय, थैंक यू सर। ये नोट्स कब मिल जाएंगे आज? ये नोट ना वेबसाइट पे डालूंगा मैं, वेबसाइट पे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इस बायोलॉजी में ये रहा, ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ डालते जा रहा हूँ, आप लोग पता नहीं देख रहे हो या नहीं, तो जैसे जो हमने अभी तक मेंडल्स का किया था वो यहाँ डाल दिया। ये जो दोनों प्रेजेंटेशन है, मेंडल वाली भी और ये वाली भी, ये भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बायोलॉजी में जाइए वेबसाइट पर, यहाँ नीचे इसी के नीचे एक स्लाइड शो रहेगा, उस स्लाइड शो में ये सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को हम यहाँ खत्म करते हैं, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।